हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं आ गई थी किचन में फटाफट। मैं बना रही हूँ माधव के लिए लच्छा परांठा, उसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग। किधर मेरे साथ बैठी है। कौन कहता है कि बच्चों में एज डिफरेंस अगर ज़्यादा हो तो बड़े वाला छोटे को संभाल लेता है? सिर्फ कहने की बातें हैं। मेरा बेटा 6 साल का है और मेरी बेटी 1 साल की है। मुझे लगा था कि अगर बच्चों में 5 ईयर्स का एज डिफरेंस होगा तो शायद जो बड़े वाला है छोटे वाले को संभाल लेगा, बट बिल्कुल नहीं। इतना एज डिफरेंस है दोनों के अंदर कि बड़े वाला बोलता है, मम्मा ये तो बहुत छोटी है, मैं इसके साथ खेलूँ क्या? तो मुझे ऐसे लगता है कि दो बच्चों में एज डिफरेंस जो है, या तो 6 से 7 साल का हो, 7 ईयर्स का हो, या तो फिर जो है 2 या 3 साल का हो। क्योंकि पहले के 2 साल न्यू मॉमी को चाहिए अपने लिए, और बाद में जो आपका फर्स्ट बेबी है उसको 5 ईयर्स का हो जाएगा, उसको भी टाइम चाहिए थोड़ा सा समझने के लिए, मैच्योर होने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में एज डिफरेंस या तो 2 से 3 साल का हो, या तो फिर 6 से लेकर 7 साल का हो। 2 से 3 साल का होगा तो जो आपका फर्स्ट बेबी होगा उसको लगेगा कि जो मेरे साथ है, जो मेरा भाई या बहन आया है, तो मेरे बराबर का ही है, मैं उसके साथ इजीली खेल सकता हूँ। और अगर 6 से 7 साल का डिफरेंस होगा तो शायद वो समझे कि हाँ, मुझे इसके साथ कॉम्पिटिशन नहीं करना, जो कि माँ तो बहुत करता है, मुझे इसके साथ कॉम्पिटिशन नहीं करना, ये मेरा ही भाई या बहन है, मुझे इसके साथ खेलना है। अब मादर के केस में ये है कि उसको ऐसे लगता है कि मेरी कॉम्पिटिटर आ गई है, जो कि मेरी मम्मा पापा से मेरा प्यार ले रही है, वो बहुत ही इनसिक्योर हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि 5 ईयर्स जो है बच्चे की एक वो एज होती है जब बच्चे का एक बच्चा प्री प्राइमरी से प्राइमरी में आता है और उसका टाइम होता है चीज़ों को समझने का। ऐसे टाइम में अगर दूसरा बेबी आ जाता है तो उसको कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि मेरा जो प्यार है वो, जब वो चीज़ों को समझ रहा है, अपने पेरेंट्स के प्यार को समझ रहा है, अपने टीचर्स को समझ रहा है, नए फ्रेंड्स बना रहा है स्कूल में फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में आने के बाद, और एकदम से उसके ऊपर उसको ये समझने को मिले कि मेरा जो है किसी ने मेरा बैग शेयर कर लिया है, मम्मा पापा का प्यार जो है वो डिवाइड हो गया है, या तो वो आपका बच्चा दादी के साथ सो रहा हो, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सो रहा हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हमारे केस में ये था, माधव जो था बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गया, और कभी कभी वो गुस्से में आके खरीदा को ये भी बोल देता था, जब से तू आई है ना मम्मा पापा ने मुझे प्यार करना छोड़ दिया है। आई वॉज सो शॉक टू हियर फ्रॉम हिम। देन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइज हुआ कि अभी या तो हमने बहुत लेट कर दिया प्लान करने में सेकंड, या तो फिर हमें 1 साल और रुकना चाहिए था जब तक जो था माधव थोड़ा सा मेच्योर हो जाता। अब माधव 6 ईयर्स का हो गया, मेरी बेटी 1 साल की हो गई है। अब कहीं ना कहीं जाके मुझे ऐसा लगता है कि माधव जो है उसकी केयर करने लगा है, उससे प्यार करने लगा है, और वो उसको अच्छे से होल्ड भी कर लेता है, उसको उठा लेता है और बहुत अच्छे से उसको हैंडल करता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बच्चों में यहाँ तो 2 से 3 साल का डिफरेंस हो, अदरवाइज 6 से 7 साल का डिफरेंस हो। पहले 2 साल नई मॉमी को, नए बेबी को चाहिए एडजस्ट होने के लिए, और अगर आपका नेक्स्ट 4 से 5 साल अगर आपका बच्चा है उसको टाइम चाहिए थोड़ा सा चीज़ों को समझने में, उसका माइंड डेवलप होने में, उसको इस चीज़ को समझने में टाइम चाहिए कि हाँ, मेरा अगर कोई सिबलिंग आएगा तो मुझे उससे प्यार करना है, मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है और मुझे उसका ध्यान रखना है। अब देखो ये यहाँ पे बैठी है, ये देखो ये यहाँ पे बैठी है, और वो अंदर दादी के पास बैठा है। उसको मैंने बोला इसके साथ खेल ले, तो बोला मम्मा ये तो बहुत छोटी है, मैं इसके साथ क्या खेलूँ? तो इसीलिए, तो अगर आप सेकंड बेबी प्लान कर रहे हैं, लोगों के कहने पे मत जाइए। आपका जब माइंड सेट हो, जब आप फिजिकली फिट हो, आप तब करो। हर चीज़ का एक वक्त होता है। लोग तो कहते रहते हैं मेंटली अपने आप को सेट करना इज़ टोटली अप टू यू,